क्या, क्या नाम है आपका? पुष्पा। अच्छा ये मृतक कौन, आपके पति है? क्यों, कैसे मौत होगी इनकी? अरे भैया मैं मारे बोले तो भाई। क्यों 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 मारे थे? जो आपका ग्रीवेंस है, जेन्युइन ग्रीवेंस, उसको सुना जाएगा और जो उसमें उचित कार्रवाई होगी। मैं एसपी बोल रहा हूँ, आप बिल्कुल परेशान ना हो, आपको कानून हाथ में। जैसा आज बताया जा रहा है कि यहाँ बसी स्टैंड के पास, बसी स्टैंड के पास ठेला लगा देते थे, जो भी बताया जा रहा है कि पुलिस यहाँ भाई कुछ हो गई थी, उनकी डेथ हो गई है। और यहाँ जो थोड़ा लैंडर प्रॉब्लम हुई थी, उनको अभी तत्काल 1,00,000 रुपये चेक में दे रहा हूँ, बाकी इनका मुकम्मल का जरा तारीफ पर। और बाकी इन्होंने आवाज़ की मांग की है और तरफ इनको आवाज़ भी उपलब्ध करा दी है। क्यों उसको पीटा गया, ऐसी कोई जानकारी मिली आपको? नहीं, ऐसा कोई भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा। आरोप किस पर है सर? फिलहाल अभी तो तहरीर होती आ जाए, तो तहरीर जैसे दे देते हैं हम आपको। ये इकट्ठा थी, इनकी जो डिमांड थी कि इसको पुलिस के किसी कर्मी ने मारपीट की है और उसके कारण उसकी डेथ हुई है, वो FIR दे रहे हैं, उस पर FIR पंजीकृत होगी और जो वैधानिक कार्रवाई है उसको की जाएगी। डीएम साहब ने अपने तरफ से कंपनसेशन के लिए कहा है और जो उनने कंपनसेशन के लिए उनने मांग रखी है उसको तत्काल डीएम साहब भेज रहे हैं शासन को और शासन से उसको उनकी समस्ती जा रही है। वो अभी तहरीर मिल जाए तब हम आपको बताएं। अच्छा, तहरीर अभी हमको नहीं दी है, तहरीर जैसे मिल जाएगी हम आपको नाम। सर पीटने का कारण क्या रहा, क्या कार्रवाई? आपको तहरीर मिल जाए तब कारण पता चले। अभी तो मुकदमा लिखा जाएगा सर, क्या करेंगे कार्रवाई? भाई अब तहरीर आ जाए, मुकदमा लिखा जाएगा, उसमें कहीं कोई दोहरा नहीं। घटना कोई भी करे, आरोप जिस पे भी होता है मुकदमा लिखा जाएगा। जो तोड़फोड़ हुई है इसके लिए अब इसको हम अलग से देखते हैं।